हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। आज का हमारा टॉपिक है फिशर इन एनो। फिशर इन एनो में इतना सीवियर पेन और बर्निंग क्यों होती है, इसके पीछे क्या पैथोलॉजिकल कारण होते हैं और इसमें हम तुरंत कैसे आराम पा सकते हैं, इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें हमें अच्छे से समझनी होगी। जैसे जब हमने हेमोरॉइड को की स्टडी करी थी तो हमने देखा था वहाँ पर ये वीनस सप्लाई को समझना बहुत ज़रूरी था। ऐसे ही जब हम फिशर को देखते हैं तो यहाँ पर जो नर्व सप्लाई होती है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये हमारी एनल कैनाल है। एनल कैनाल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट। ये दोनों डेंटेट लाइन से या पेक्टिनेट लाइन से अलग होते हैं और यहाँ पे जो हमारी एनल कैनाल होती है इसमें एनल कॉलम्स होते हैं, ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट में यहाँ पे फिक्स होते हैं। और जो इंटरनल पार्ट होता है यहाँ पे जो नर्व की सप्लाई होती है ये ऑटोनॉमिक नर्व की सप्लाई होती है, इसीलिए जो हमारे इंटरनल हेमरॉइड होते हैं वो उसमें ब्लीडिंग तो होती थी मगर उतने पेनफुल नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पे जब जो एक्सटर्नल पार्ट है ये एनोडर्म से लाइनिंग होती है इसकी और यहाँ पे सोमैटिक नर्व की सप्लाई होती है। सोमैटिक नर्व की सप्लाई की वजह से ही हमारे हेमरॉइड भी बहुत पेनफुल थे और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल कट लगता है जिसको हम फिशर कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट में, ये भी इसीलिए बहुत ही पेनफुल होता है। दोस्तों, एक चीज़ और समझनी है, जो हमारा स्टूल होता है, जो स्टूल का नेचर होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है। अब हमें मालूम है जब हमें कहीं कोई घाव होगा और वहाँ पे एसिड लगेगा तो उसमें सीवियर बर्निंग और पेन होना ही है। यही वजह होती है कि एक तो सोमेटिक नर्व की सप्लाई, दूसरा जो कट है उस पर एसिडिक नेचर का स्टूल लगना। इसीलिए जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है उनको पेन बहुत ही ज़्यादा पेन होता और बहुत देर तक बर्निंग बनी रहती है। अगर हमें इसमें तुरंत आराम पानी है तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि हम एक टब गुनगुना पानी ले लें, उसमें थोड़ा पिसी फिटकरी मिला लें, क्योंकि फिटकरी का नेचर होता है अल्कलाइन। और जब हम इस पानी गुनगुने पानी फिटकरी वाले गुनगुने पानी में 2-3 से 4 मिनट बैठते हैं, क्योंकि गुनगुने पानी के संपर्क में आने पर यहाँ की मांसपेशियाँ थोड़ा शिथिल हो जाती हैं और थोड़ा सा स्पेस बन जाता है और ये फिटकरी वाला पानी अंदर घाव पे लगे हमारे स्टूल को हटा देता है, वॉश कर देता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक हम 3 ml की सिरिंज ले लें और एक जत्तादी तेल को इसमें हम भर लें और फिर अपने मल द्वार पर धीरे से इसको हम सेट करके पुश करके पूरी ऑयल को अंदर पुश कर दें। जब एनल कैनाल में पूरा ऑयल एक बार ऑयलिंग हो जाएगी और जो हमारा कट है उस पर एक ऑयल की लेयर लग जाएगी तो वहाँ पे जो एसिड होता है उसकी वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वॉश हो जाएगा और हमें इस तरह से तुरंत आराम मिल जाती है। इस तरह दोस्तों हमने देखा कि जो हमारे फिशर होते हैं, फिशर का जो प्लेसमेंट होता है वो एक्सटर्नल एनल कैनाल में होता है और यहाँ पे सोमेटिक नर्व की सप्लाई होती है, इसीलिए ये बहुत ही पेनफुल होते हैं। और जब भी किसी घाव पे एसिड को लगाया जाएगा, जैसे स्टूल का जो नेचर होता है वो एसिड होता है, एसिड के कॉन्टैक्ट में आने की ही वजह से इसमें इतना पेन और बर्निंग होती है। तो हम इस तरह से इस उपाय से इसमें तुरंत आराम पा सकते हैं। फिशर की हम डिटेल स्टडी आगे के किसी वीडियो में करेंगे। थैंक यू।